हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम यूनिट फिफ्थ पढ़ रहे हैं इस टाइम पे अपने वीडियो के माध्यम से। अभी तक मैं आपको वीडियो के माध्यम से थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, दो यूनिट करा चुका हूं और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट मैंने आपको क्लास में ही कराती थी, ठीक है। अब फिफ्थ यूनिट चल रही है, जैसे फिफ्थ यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद, अभी इसमें फिफ्थ यूनिट में एक टॉपिक और बचता है जिसको हम DSO बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, वो टॉपिक और बच रहा है। उसकी एप्लीकेशन वगैरह है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम है और इसका वर्किंग है उसका ब्लॉक डायग्राम का, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अभी होल्ड करके चलेंगे उस टॉपिक को। सबसे पहले अब हम उस टॉपिक को रोक कर अभी पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग से या तो पहली यूनिट से रिविज़न स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं कल जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, मतलब एक एक करके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से ही। अगर वो पेपर नहीं लेके आता मैं, तो फिर फर्स्ट यूनिट से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही एक चीज़ हो जाती है, या तो पेपर हो जाते हैं या रिवीजन हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक बच रहा है DSO, उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। DSO को हम, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हम फर्स्ट यूनिट से जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट यूनिट से जो बचे हुए टॉपिक हैं या जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं या कुछ और जैसे कंटेंट मिलता है या कुछ और जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेते हुए चलूँगा इसमें वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि सारा कुछ कवर होता चले जब रिवीजन कर रहे होंगे हम, तो फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक, तो उसमें कुछ ऐसा ना बचे कि कुछ ऐसा जो पेपर में आता हो या आया हो, कुछ ऐसा छूटे नहीं, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले या तो रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन करने के बाद जब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने अभी शायद नहीं पढ़े हों, और रिवीजन जब हम करेंगे तो उनमें मैं पहले उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, और जब वो आपको समझ में आ जाएंगे, जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे या करेंगे, तो फिर आपको वो ज़्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम पहले क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं अभी तक, और वो अगर आपके सामने आएंगे तो फिर आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले रिविज़न करते हुए चलते हैं, और उसमें जो रिविज़न में कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे एक बार रिविज़न तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो साथ के साथ ऐड करते हुए चलेंगे, और ऐड करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर के। और हाँ, क्वेश्चन पेपर जो है मैं पहले लास्ट सेमेस्टर का लूँगा, जो पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर था, फिर उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर का, फिर उसके बाद उससे प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो अभी करंट वाला था उससे, और फिर पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। मिनिमम 5 पेपर्स तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, और हो सकता है तो अगर टाइम मिलता है तो उससे ज़्यादा भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे भी पिछले साल से ही तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ, उससे पिछले साल से एक यूनिट एक्स्ट्रा थी, वो मैं बताता चलूँगा, उसके क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से हटाते हुए चलना है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से वो अब हट चुकी है यूनिट, ठीक है। चलिए, आज मैं जैसे आपको बताइए फिफ्थ यूनिट में हम CRO पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब CRO पढ़ रहे हैं तो CRO में क्या है, अभी तक हमने CRO का वर्किंग ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया है पूरा। उसमें CRO में एक CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, उसको हम पढ़ चुके हैं, उसको देख चुके हैं क्या था उसमें। अब हम CRO से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं कुछ वैल्यूज़। आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम वोल्टेज मेज़र करते हैं, कैसे हम करंट मेज़र करते हैं, कैसे हम रेसिस्टेंस की वैल्यू या कैसे हम फेस मेज़र करते हैं, कैसे फ्रिक्वेंसी मेज़र करते हैं, कैसे टाइम मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं अपने CRO की हेल्प से, कैसे हम मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप नोट करके रखिएगा, पहले जो मैंने आपको PDF भेजी है उस PDF से आप अपने पहले जो ये जो टॉपिक्स हैं इनको नोट करके रखिएगा, और इसको एक बार पढ़ लिया करिए, जब पहले पढ़ लिया करिए। पढ़ने के बाद जब आप वीडियो सुना करें, वीडियो सुनेंगे तो फिर आपको क्या है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके जो फ्रेंड्स अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप उनको सबको बता दीजिए कि वीडियोज़ देख लें, क्योंकि इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा इस बार अब, ठीक है। अगर टाइम मिलता है या पढ़ाया भी जाता है तो उसमें मैं रिवीजन ही कराऊंगा, क्लास में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। इसलिए वीडियो को ही देख लें, और वीडियो को ही देख कर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। सारे स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा, क्योंकि क्वांटम से ही ओनली, अगर आप क्वांटम से पढ़ते होंगे तो क्वांटम से ही काम चलने वाला है नहीं बिल्कुल, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी होता है टॉपिक को, क्योंकि अब मैं जब रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत नया मिलने वाला है, बहुत अच्छे से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कवर होता चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो फिर पता लगेगा आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा हुआ, टॉपिक भी आप नहीं समझ पाएंगे कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को बोल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, जो फ्रेंड्स आपके नहीं देख रहे हैं वीडियो, वो भी वीडियोज़ देख लिया करें, और फुल वीडियो देखा करो, ठीक है। चलिए,
और अगर वीडियो पसंद आया तो लास्ट में लाइक भी जरूर कर देना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने आपके दोस्तों ने तो उनसे बोल दीजिए वो भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप अगर प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं उसके बाद फिर कभी भी, ठीक है। चलिए, वोल्टेज मेजरमेंट हम कैसे करते हैं सीआरओ से। सबसे पहली बात तो ये है कि सीआरओ देखना बहुत ज़रूरी है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है कि सीआरओ का जो फ्रंट होता है, फ्रंट साइड होती है, वो इस तरह से होती है। एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड। ये इस तरह से उसकी स्क्रीन होती है, मतलब स्क्रीन क्या, वो बॉक्स फ्रंट साइड होती है, उसमें एक साइड पर स्क्रीन इस तरह से स्क्रीन रहती है, ठीक है। उसमें यहाँ पर दो प्रोब लगाने के हमारे या केबल लगाने के पॉइंट होते हैं, जिनको हम चैनल 1 और चैनल 2 के नाम से जानते हैं, यानी कि हम अपने सीआरओ पर, क्योंकि हमारे डुअल ट्रेस हैं तो दो वेव फॉर्म एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्विचेस होते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक टाइम, एक मेन स्विच जो चाहिए, दो स्विच हमें चाहिए जो हम देखने वाले हैं अभी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक तो होता है ऊपर वाला, क्या होता है, टाइम पर डिवीज़न, टाइम पर DIV इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। और जो एक दूसरा वाला होता है, ये होता है वोल्ट पर डिवीज़न, ठीक है, वोल्ट पर डिवीज़न यानी कि DIV, इस तरह से ये दो लिखे होते हैं, ठीक है। इनकी हमें नीड है इसलिए मैंने आपको बताया ये क्या है, ठीक है, इस तरह से होते हैं उसमें। अब ये जो वोल्ट पर डिवीज़न और टाइम पर डिवीज़न होते हैं, तो इनके चारों तरफ यहाँ इस तरह से टाइम और यहाँ पर वोल्टेज लिखे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, स्विच होता है एक तरह से, तो हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने पर हम अपने वोल्टेज पर, कितने वोल्टेज पर उसको सेट करते हैं इस तरह से। और टाइम पर डिवीज़न वाले में भी क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं और उसको टाइम को हम सेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं हम अपने उससे सीआरओ से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जैसे हमारी स्क्रीन थी, जैसे ये सीआरओ का फ्रंट साइड है, इसमें जो स्क्रीन है, अभी वाली जो स्क्रीन है मैं यही बना रहा हूँ, ठीक है, सामने ध्यान देना, इसको हटा रहा हूँ। ये समझ लीजिए वो स्क्रीन है जिस पर अब हमारी वेवफॉर्म दिखाई देने वाली है, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये जो स्क्रीन होती है, ये जैसे हमारे ग्राफ का पेपर होता है इस तरह की स्क्रीन होती है, और इसमें इसी उसी तरह की लाइनिंग होती है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कुछ इस तरह का एक वेवफॉर्म हमारा उस पर आया, ठीक है, क्लियर। ये एक डिवीज़न हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा डिवीज़न, इस तरह से डिवीज़न बने हुए होते हैं, जैसे ग्राफ पेपर में देखे होंगे आपने, ग्राफ पेपर में ही रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी अगर चलेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से स्क्रीन बनी हुई होती है जैसे ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो सपोज़ कीजिए एक इस तरह से हमारा एक वेवफॉर्म इस तरह से यहाँ पर आ रही है सीआरओ पर, ठीक है। अब हमें इसका वोल्टेज मेज़र करना है, ठीक है। वोल्टेज मेज़र करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इसको काउंट करना है, ठीक है, डिवीज़न को। ये हमारे डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न 1, यहाँ से एक डिवीज़न हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद दूसरा डिवीज़न, फिर तीसरा डिवीज़न, इस तरह से डिवीज़न होते हैं। तो हमारी जो वेव फॉर्म है पीक, ये वाला वेव फॉर्म का जो पीक है यहाँ से इस वाले पीक तक, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट कब होती है, जब उसके दोनों हाफ कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद तब जाकर एक साइकिल होती है, ठीक है। तो ये जो पूरी एक कंप्लीट साइकिल है, इसका जो पीक है ऊपर, इसको यहाँ से, और जो नीचे वाला पीक है यहाँ से, और जो नीचे वाला पीक है यहाँ तक, हमें क्या करना है, डिवीज़न काउंट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि इसमें टोटल कितने डिवीज़न हो रहे हैं, 2 डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम वो डिवीज़न काउंट कर लेंगे। डिवीज़न काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 2 डिवीज़न काउंट कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मैंने बताया था उसमें एक वोल्ट पर डिवीज़न और एक टाइम पर डिवीज़न होता है, तो जो वोल्ट पर डिवीज़न वाला होता है उसको हमने सेट कर रखा है जिस पॉइंट पर, जितने वोल्ट पर, उसको हमें चेक करना है, ठीक है। रोटेट करते हैं जैसे हम उसको, तो जैसे सपोज़ करो ये 2 वोल्ट पर सेट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1 वोल्ट हो, 2 वोल्ट हो, 3 वोल्ट हो, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से होता है। तो ये हमारा 2 वोल्ट पर सेट है, और उस टाइम पर हमारी ये वेवफॉर्म आई जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारे नंबर ऑफ डिवीज़न कितने थे, 2 डिवीज़न थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 डिवीज़न ले लिया मैंने, ठीक है। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज़ करो ये 2 वोल्ट पर, जितने पर ये हमारा वोल्ट पर डिवीज़न जो है पॉइंट सेट है, जितने पर भी, उस पर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ करो 2 पर था ये, 2 वोल्ट पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं आई है, अभी 4 वोल्ट क्या आया हमारा, ये 4 वोल्ट आया वोल्टेज पीक टू पीक,
पीक टू पीक वोल्टेज आई है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, ये पीक टू पीक वोल्टेज तो हमारी 4 वोल्ट आ गई, इसको हमें आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम जितनी वोल्टेज होती है पीक टू पीक वोल्टेज, इसको 2√2 से डिवाइड कर देते हैं। 2√2 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2√2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उतने हमारे वोल्टेज हो जाएगी उस सिग्नल की, जो सिग्नल हमारा स्क्रीन पे था, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, द स्टेप, एक सेकेंड, द स्टेप टू बी फॉलोड फॉर द वोल्टेज मेजरमेंट, काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्टिकल डायरेक्शन विच करस्पॉन्ड टू द पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि जो ऊपर से मैंने बताया था ना अभी, जैसे स्क्रीन है ये सपोज करो, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से एक हो, यहाँ से एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, यानी कि वो डिवीजन काउंट करने हैं जितनी हमारी वेवफॉर्म जहाँ से जहाँ तक जा रही है पीक से लेकर पीक तक, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है नोट दैट 1 division = 1 cm, जैसा कि हमारा ग्राफ पेपर भी होता है कि 1 division हमारा 1 cm के इक्वल होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द पीक टू पीक वोल्टेज इज 2, मान लिया इसने कि 2 है, जैसे इसने भी अपने वे फॉर्म जो हमारी ये मान लिया, जैसे इस तरह से वे फॉर्म है कोई ये, तो यानी कि यहाँ से एक यहाँ पर हो गया और दो यहाँ पर हो गया, यानी कि पीक से लेके पीक तक कितना हो गया, 2 डिवीजन हो गया, ठीक है। देन रीड द पोजिशन ऑफ वोल्ट्स पर कंट्रोल या वोल्ट्स पर डिवीजन, यानी कि वोल्ट्स पर डिवीजन वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पर काउंट कर लेंगे हम, रीड कर लेंगे पोजिशन किस पोजिशन पर है, और कैलकुलेट द वोल्टेज एज फॉलोज, कैसे वोल्टेज पीक टू पीक कितना हो जाएगा, 2 तो हमारा डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 volt, इन्हें 1 volt सपोज कर रखा है कि ये सेट है 1 volt में, तो यानी कि 2 volt हो गया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ दिस वोल्टेज एज फॉलोज, कैसे, तो उसको क्या करते हैं हम, जो पीक टू पीक वोल्टेज आती है तो 2√2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाली वोल्टेज ये आ गई, यानी 2/2√2 इक्वल टू कितना हो गया, 0.707 volt, ठीक है। अब क्या करना है, आगे क्या दे रहा है, सम टाइम द नंबर ऑफ डिवीजन मे बी एन इंटीजर, ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पीक टू पीक जो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो डिवीजन थे हमने जो काउंट किए थे वो ज़रूरी नहीं कि 2, 4, 6 इसी तरह से हों, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर ना हो, 2.4 इस तरह से हो, ठीक है, तो कोई नहीं, तो 2.4 होगा, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2.4 वोल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, यानी कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, यहाँ पर वोल्ट्स पर डिवीजन का इस तरह से होता है पॉइंट, जैसे 1 pin में सेट कर रखा है, ऐसे ही ये टाइम पर डिवीजन का भी होता है, ठीक है। इसमें टाइम पर डिवीजन में क्या होता है, माइक्रो सेकंड में होता है टाइम, मिली सेकंड में होता है, और सेकंड में होता है, ठीक है, क्लियर, इस तरह से होता है। तो ये तो था वोल्टेज हम कैसे मेज़र करते हैं अपने सीआरओ से या सीआरओ की स्क्रीन से, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करेंगे हम अपने सीआरओ से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेज़र करने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी हम डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते अपने सीआरओ की स्क्रीन से या सीआरओ से, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी वेव फॉर्म थी इस तरह से, ये मैं फिर से स्क्रीन बना लेता हूँ एक बारी, अभी बताता हूँ आपको, जैसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ हमारी वेव फॉर्म है जो भी है, ठीक है, इस तरह से स्क्रीन है। अब स्क्रीन में क्या किया हमने, एक वेव फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये वेव फॉर्म हो गई हमारी, मान लिया कंप्लीट साइकिल हो गई है, ठीक है। यहाँ से ये हमारी सेंटर लाइन या एक्सिस हो गई इसकी, यहाँ से एक साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वही हमें पता है हमारे पास क्या होता है, तो इसमें जो हम अभी तक वर्टिकल जो हम पॉइंट है काउंट कर रहे थे डिवीज़न वोल्टेज मेज़र करने के लिए, इसमें हमें क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल जो कर रहे थे इस बार में ये वर्टिकल वाले करने हैं, वर्टिकल वाले हमें डिवीज़न जो है उनको काउंट करना है, ठीक है, कहाँ तक, एक कंप्लीट साइकिल तक, यानी कि उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जहाँ कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो जैसे यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ पर कितने डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं, 3 point something दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैंने जो बनाई है इसमें फिलहाल, जो भी होंगे ठीक है वो काउंट कर लेने हैं। फिर उसके बाद जो टाइम पर डिवीज़न वाला था, ये वाला जैसे ऊपर मैंने दिखाया था इस तरह का जो होगा, उसमें हम चेक कर लेंगे कि किस पे सेट हो रखा है ये, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जब हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, 1/T होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, 1/टाइम होती है।
तो बस फ्रिक्वेंसी जब हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो फ्रिक्वेंसी हम इजिली मेजर कर लेंगे, कैसे, वन अपॉन टी करके, यानी वन अपॉन टाइम करके, जो टाइम हमने कैलकुलेट किया उसको, उससे हम वन को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा हमारा आंसर वो हमारी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। तो यानी कि हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हुए हमें टाइम भी कैलकुलेट करना होता है, यानी कि उससे हमारा टाइम भी कैलकुलेट हो जाता है पहले, फिर उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ साइन वेव डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर वन साइकिल इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड मल्टीप्लाइंग बाय द सेटिंग ऑफ द टाइम पर डिवीजन, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन क्या करने हैं, पहले काउंट करने हैं, काउंट करने के बाद टाइम पर डिवीजन जो वैल्यू होगी, टाइम पर डिवीजन जहाँ पर सेट होगा ये हमारा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा होगा टाइम वो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है इसके बाद, द फ्रिक्वेंसी इज देन कैलकुलेटेड, द फ्रिक्वेंसी इज देन कैलकुलेटेड एज द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, यानी हमें पता ही है टाइम पीरियड के इनवर्स होती है, तो हम क्या करेंगे उसको वन को डिवाइड कर देंगे किससे, फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं, सॉरी, जो टाइम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब इसमें मैंने यहाँ पर ये देखिए कन्फ्यूज़ होने जो नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न पर साइकिल काउंट करने हैं, मैं हॉरिजॉन्टल पर डिवीज़न जो लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पर डिवीज़न वो बात इन्हीं की चल रही है, ये वाले जो हैं, ये वाले डिवीज़न, ठीक है, इनको काउंट करना है। ठीक है, और पहले जो बात चली थी ये वर्टिकल, ये वाले वर्टिकल इनको बोल रहे थे। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये वाले वर्टिकल काउंट करने का नहीं, हॉरिजॉन्टल ये वाले होंगे। ठीक है, इस तरह से जो हैं। ठीक, चलिए हमारा फ्रिक्वेंसी मेज़र हो गया। अब हमें करना है फेज़ मेज़र। फेज़ मेज़र हम जब करते हैं तो फेज़ डिफरेंस एक्चुअल में मेज़र करते हैं। ठीक है, फेज़ मेज़र करने के लिए हमें क्या करना है, एक्चुअल में हम फेज़ डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन बनाई रखी है, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है, फेज़ यानी कि फेज़ जब हम मेज़र करेंगे तो फेज़ डिफरेंस मेज़र करना है हमें, किन्हीं दो वेव फॉर्म के बीच में कितना फेज़ डिफरेंस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारा जो डुअल ट्रेस सीआर हो है उसमें हमें दोनों चैनल पे सिग्नल अप्लाई करना है। सिग्नल अप्लाई करने के बाद दोनों की वेव फॉर्म हमारी इस तरह से स्क्रीन पर शो होंगी, जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों वेव फॉर्म में जो फेज़ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये यहाँ से इस तरह से देखिए, ये वाली एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक, दूसरी साइकिल मैंने यहाँ से ली, यानी कि यहाँ से ली है, यहाँ से चलने के बाद ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमारे इसकी एक्सिस तो हमारी ये वाली हो गई। ठीक, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल, और इसकी जो ये वाली जो है इसको कहाँ पर लेंगे, या चलिए यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये एक्सिस मान ली हमने, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पर ये इस वेव फॉर्म हो गई। तो अब हमने क्या करना है, दोनों वेव फॉर्म में कितना फेज़ डिफरेंस हुआ है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें ये मेज़र करना है। देखो सिंपल है, इसके लिए फार्मूला एक हम यूज़ करते हैं, टी फाई अपॉन टी इक्वस टू फाई अपॉन 360, यानी कि हमें पता है जो पूरी कंप्लीट साइकिल होती है वो 360 डिग्री की होती है। ठीक है, अब हमें फाई जो है वो फेज़ डिफरेंस मेज़र करना है। ठीक है, टी जो है हमारा वन साइकिल का पीरियड है, यानी कि एक साइकिल में कितना टाइम, मतलब कितना पीरियड है वो टाइम वो कैलकुलेट करना है एक साइकिल का। जैसे हम मेज़र करते हैं यहाँ से अगर चल रहे हैं तो एक डिवीज़न, दो डिवीज़न, तीन डिवीज़न, चार डिवीज़न, पाँच डिवीज़न, छः डिवीज़न, सात डिवीज़न है। ठीक है, सात डिवीज़न और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, टाइम पर डिवीज़न से। तो यानी कि हमारा ये साइकिल का पीरियड आ जाएगा वन साइकिल का। ठीक है, और टी फाई जो है, ये टी फाई है कि हाउ मच फेज़ शिफ्ट, यानी कि हमारी ये वाली साइकिल तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये वाली साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज़ कीजिए। ठीक है, क्लियर। या अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जहाँ पर भी हम मेज़र करेंगे तो वो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट था, ये वाले पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट मेज़र करेंगे जहाँ से हम साइकिल ले रहे हैं। ठीक है, इसमें ये यहाँ से ली है, इसने इसको माना है। ठीक है, तो ये लगभग 1.4 के आसपास है, तो वही इसने यहाँ पर लिया हुआ है इसमें कि 1.4 डिवीज़न है जो डिफरेंस है इसका। ठीक है, क्लियर। टोटल 8 डिवीज़न है, वो तो हमने काउंट कर लिया, टोटल 8 डिवीज़न है इसमें दोनों साइकिल्स में। ठीक है, तो वो टी फाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, क्या कितना 1.4, और ये टाइम पीरियड जो होगा वन साइकिल का, यहाँ टी पुट कर दें, फाई हम कैलकुलेट कर लेंगे बस। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव फॉर्म्स इज मेजर्ड बाय द मेथड इलस्ट्रेटेड इन फिगर, यानी ये नीचे, ईच वेव हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 8 हॉरिजॉन्टल डिविजन्स
एंड द टाइम बिटवीन कमेंसमेंट ऑफ ईच साइकिल इज 1.4 डिवीजन, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 1.4 डिवीजन का है। वन साइकिल कितनी है 360 डिग्री की है, ठीक है। देयरफॉर ए डिवीजन इक्वल्स टू कितना हो गया 360 हो गया, ठीक है, क्लियर। दो तरीकों से हम मेजर कर सकते हैं सिंपली। फिलहाल मैंने जो ये वाला मेथड बताया, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये इजी है, आपको याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फेज मेज़र करने के बाद हमें करना है करंट को मेज़र, ठीक है। तो करंट मेज़र करने के लिए हमें क्या करना है, करंट मेज़र करने के लिए करंट हम अपने सीआरओ से डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ए सीआरओ कैन मेज़र ओनली वोल्टेज, इट कैन नॉट मेज़र करंट डायरेक्टली, ठीक है। द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द रेसिस्टेंस आर ऑफ नॉन वैल्यू, यानी कि एक नॉन वैल्यू का रेसिस्टेंस होगा, यानी कि हमें पता होगा एक रेसिस्टेंस जितनी वैल्यू का होगा, ठीक है। वहाँ से हमें क्या करना है, उससे हम मेज़र करंट को पास कराएंगे उसमें से, और तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टर इज देन मेजर्ड ऑन द सीआरओ, यानी कि जो वोल्टेज डेवलप हो रही है उस रेसिस्टर में वो हम सीआरओ से मेज़र कर लेंगे, यानी कि हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया, उसके दोनों टर्मिनल से हमने वोल्टेज मेज़र कर ली, यानी कि वो वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, किससे, सीआरओ से। वोल्टेज हमारे पास आ गया, कितना वोल्टेज है, ठीक है, और हमें पता है रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो हम फिर ओम्स लॉ अप्लाई करके उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली हम करंट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट हम ऐसे मेजर करते हैं, डायरेक्ट हम सीआरओ से मेजर नहीं कर सकते करंट, ठीक है, किससे, आई इक्वल टू वी अपॉन आर से, यानी कि वी इक्वल टू आई आर हमने पढ़ाई ओम्स लॉ, उससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने सारे पढ़ लिए हैं जितने भी हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। अब हमारा डीएसओ बच रहा है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, वो मैं अपने रिविजन के और क्वेश्चन पेपर्स के बाद आपको कराऊंगा, ठीक है। देखता हूँ मैं कल क्या लेके आता हूँ, या तो क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा या रिवीजन में, कोशिश ये रहेगी कि रिवीजन लेके आऊँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आपकी जो राय हो, स्टूडेंट्स जो चाहते हो पहले क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ या रिवीजन कराऊँ फर्स्ट यूनिट से, फिर वो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद इस कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि मैं कल क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ पहले या रिवीजन कराऊं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से बोल दीजिए कि वो देख लें वीडियो, क्योंकि इन्हीं वीडियो से ही उनको हेल्प मिलने वाली है, शायद इस बार क्लासेस नहीं होंगी अब, ठीक है, उनको बता देना, और पढ़ नहीं रहे अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरी इन वीडियो से अगर दो बच्चे ही पढ़ के कुछ कर लेंगे तो पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, तो मेरे लिए सफिशियंट है। मैं कह रहा हूँ बार बार, पढ़ लो ज़्यादा बेटर है, पढ़ लोगे तो समझ में आ ही जाएगा कुछ, ठीक है। और चलिए घर पे रहना है और सेफ रहना है, घर से बाहर नहीं निकलें, घर ही रह के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ करे या कुछ समझ में ना आया करे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, पूछ लिया करो मैसेज करके, या कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है। चलिए अब वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है, वीडियो पूरी देखनी है तभी सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, ओके।